बाबा की याद में आप सभी की याद प्यार लेते हुए, जब आज वतन में बाबा ने बुलाया, बाबा एकदम लवलीन स्थिति में बहुत स्नेह भरी शक्तिशाली दृष्टि सारी सभा को देते हुए हर बच्चे को दे रहे थे। जहां भी जो भी है, बाबा जैसे दृष्टि की दृष्टि से सबको बहुत स्नेह दे रहे थे। बाबा ने कहा, मेरा हर बच्चा हीरे समान है, डायमंड बच्चा है। और जैसे कि यहाँ तो साकार में सब शरीरधारी दिखाई पड़ते हैं, पर वहाँ पर जैसे कि हीरों की सभा थी, बाबा हरेक को जैसे एक अमूल्य हीरा होता है, ऐसे बिल्कुल हीरे की तरह सब बहुत ही सजा हुआ हाल, आप सभी हीरे के समान, यानी कि हीरों से सजा हुआ था, पर आप सभी चैतन्य हीरे। तो बाबा जैसे कि हीरे को दृष्टि दे रहे हैं, हीरे को देख रहे हैं, और देखते देखते जैसे बाबा दृष्टि के द्वारा ही, क्योंकि बाबा की दृष्टि में से क्या है, कोई भी हीरे में अगर छोटा भी कहीं पर फ्लॉ कहें दाग कहें हैं, तो बाबा दृष्टि से हटा रहे थे और सबको एकदम फ्लॉलेस बना रहे थे। देखो, ताली बजाइए, पहले सुनिए। तो बाबा, आप लोग अनुभव कर रहे थे ना कि बाबा दृष्टि से आपके फ्लॉ मिटा रहे थे। तो बाबा ने कहा कि देखो, बाबा को हर बच्चे से बहुत स्नेह है और हर बच्चा विशेष भी है। हर एक बच्चे का स्थापना के कार्य में विशेष पार्ट है, हर बच्चे का। इसमें कभी भी ऐसा नहीं कि किसी का कुछ विशेष पार्ट दिखता है, पर हर एक ये सोचे कि मेरा विशेष पार्ट है। फिर बाबा को मैंने बताया कि कर्नाटका से बच्चे आपको मिलने के लिए आए हैं, और मैंने बाबा को समाचार दिया कि यहाँ पर शांतिवन में 700-800 समर्पित भाई बहन हैं, सेवाधारी भी बहुत हैं, और मेरा सभी समर्पित भाइयों से मुख्य सबसे मिलना हुआ। तो मैंने कहा, बाबा सभी बहुत 35 साल से, 40 साल से, 30 साल से समर्पित हैं, और सभी अपनी जो ड्यूटीज हैं उनकी वो बहुत अच्छी तरह से बजा रहे हैं। मैंने कहा, बाबा बहुत जिम्मेवारी से यज्ञ को संभाल रहे हैं। तो बाबा मुस्कराने लगे। तो बाबा ने कहा कि अभी तो और भी जिम्मेवारी संभालनी होगी, और वो सिर्फ समर्पित नहीं, बाबा ने कहा हर बच्चा समर्पित है। हैं आप लोग समर्पित? सभी, हर एक समर्पित है। तो बाबा ने कहा कि जो यहाँ जिम्मेवारी है आपकी, कोई सेंटर संभालते हैं, हर एक की ड्यूटी है, जिम्मेवारी है, लेकिन उससे आगे और भी अभी जिम्मेवारी है जिसकी तो बहुत तैयारी करनी है, और वो जिम्मेवारी क्या है, सबको मुक्ति का रास्ता बताना है। क्योंकि गेट खुलेंगे तो जैसे सभी आप बाबा के साथ जाएंगे, पर आप सभी को कई प्रकार से, कोई मनसा से, कभी वाणी से, कर्म द्वारा,
जो भी तरीका है सारी विश्व की हर आत्मा को अभी संदेश भी मिले, और आप तैयार होंगे ना जितना जितना घर जाने के लिए, मुक्ति में जाने के लिए, उतना उतना आप औरों को तैयार कर सकेंगे। तो जिम्मेवारी तो निभा रहे हैं, यज्ञ की संभाल कर रहे हैं, सेवा की वृद्धि कर रहे हैं, परंतु अब और अटेंशन देना है कि मेरी जिम्मेवारी है सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाना। तो बाबा पूछ रहे थे कि बच्चे तैयार हैं घर जाने के लिए, तैयार हैं मुक्ति जाने, मुक्ति धाम में जाने के लिए तैयार हैं, परंतु उससे आगे के लिए भी तैयारी चाहिए ना। मुक्ति में जाके मुक्ति धाम में बैठ तो नहीं जाएंगे ना, फिर सत्युग में भी आना है। तो बाबा ने उस पर बताया कि देखो जितना जितना यहाँ पर एकदम बंधन मुक्त, कोई भी बंधन नहीं, न अपने संस्कार का न स्वभाव का कोई बंधन नहीं, तो जितना जितना अंदर से बंधन मुक्त होंगे तो बाहर से तो होंगे, परंतु उसके साथ साथ सबसे विशेष जीवन मुक्ति में चाहिए स्नेह और क्या, हार्मनी, क्या बोलेंगे हिंदी में उसको, हाँ मतलब आपस में स्नेह भी हो, एकता भी हो, मिलनसार एकदम स्वभाव हो। और बाबा ने कहा जीवन मुक्ति की भी तो तैयारी करनी है। फिर बाबा ने कहा देखो जैसी सभा यहाँ पर है ऐसी सभाएं कई जगह लगेंगी, क्योंकि जैसे जैसे आप संदेश देंगे तो वैसे वैसे संख्या बढ़ेगी, बहुत वृद्धि होगी। और ऐसे हॉल आपको नहीं बनाने पड़ेंगे, पर आपको सब मिलेगा, मैदान भी मिलेंगे, हॉल भी मिलेंगे, और जो है वो बहुत। तो बाबा ने कहा कि उसमें फिर जो सेवा होगी उसमें सिर्फ प्रवचन की नहीं होगी, लेकिन सबको साइलेंस से अनुभव कराना। तो आप लोग भी सभी, बाबा कहते हैं साइलेंस का और अभ्यास करो, जो सबको साइलेंस में ले जा सको। तो ये बाबा ने कहा भी सेवा बहुत वृद्धि को पानी है। फिर आज बाबा ने कहा कि जो भी हमारी दादी रतन मोहिनी जी हैं, सभी दीदी हैं, निर्भ्राता निर्वैर जी, सभी को बाबा ने जैसे सकाश दिया और कहा कि प्रकृति जीत तो बनना ही है, परंतु बाबा की तरफ से बाबा सकाश देते हैं कि सभी स्वस्थ रहकर बाबा की अंत तक सेवा करते रहें। ऐसे आज बाबा ने सभी के प्रति बहुत बहुत ब्लेसिंग कहो, वरदान दिए। और फिर बाबा ने कहा सबको मेरी बहुत बहुत याद प्यार देना। ओम शांति।